गिनती 31वां बाब। फिर खुदावन ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो, ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें और वो मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम लें, और इसराइल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हजारों हजार बनी इसराइल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूं मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा, और अलेजर काहिन के बेटे फहिनिहास को भी जंग पर रवाना किया, और मकदस के जरूफ और बुलंद आवाज के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था, उसके मुताबिक उन्होंने मदियानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया, और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी और रकम और सौर और हौर और राबे को भी, जो मदियान के 5 बादशाह थे, जान से मारा, और बोआर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इसराइल ने मदियान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया, और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और मालो असबाब सब कुछ लूट लिया, और उनकी सकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे, और उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। और उन्होंने सारा माले गनीमत और सब असीर, क्या इंसान और क्या हैवान, साथ लिए, और उन असीरों और माले गनीमत को मूसा और अलेजर काहिन और बनी इसराइल की सारी जमायत के पास उस लश्करगाह में ले आए, जो यरहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे किनारे मुआब के मैदानों में थी। तब मूसा और अलेजर काहिन और जमायत के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्करगाह के बाहर गए, और मूसा उन फौजी सरदारों पर, जो हजारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे, जलाया, और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? देखो, इन्हीं ने बलाम की सलाह से फगौर के मुआमला में बनी इसराइल से खुदा की हुक्म अदूली कराई, और यूं खुदावंद की जमायत में वबा फैली। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो, लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं अपने लिए जिंदा रखो, और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर ही डेरे डाले पड़े रहो, और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो, वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को 3rd दिन और 7वें दिन पाक करें। तुम सब अपने कपड़ों और चमड़े की सब चीजों को और बकरी के बालों की बुनी हुई चीजों को और लकड़ी के सब बर्तनों को पाक करना। और एलेजर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा,
कि शरीयत का वो आईन जिसका हुक्म खुदावन ने मूसा को दिया यही है कि सोना और चांदी और पीतल और लोहा और रांगा और सीसा गर्ज जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा तो भी नापाकी दूर करने के पानी से उसे पाक करना पड़ेगा, और जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे तुम पानी में डालना, और तुम सातवें दिन अपने कपड़े धोना, तब तुम पाक ठहरोगे, इसके बाद लश्करगाह में दाखिल होना। और खुदावन ने मूसा से कहा, कैलिजर काहिन और जमायत के अबाई खानदानों के सरदारों को साथ लेकर तू उन आदमियों और जानवरों को शुमार कर जो लूट में आए हैं, और लूट के इस माल को दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उन जंगी मर्दों को दे जो लड़ाई में गए थे, और दूसरा हिस्सा जमायत को दे, और उन जंगी मर्दों से जो लड़ाई में गए थे खुदावंद के लिए खा आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, हर 500 पीछे एक को हिस्सा के तौर पर ले। इन्हीं के निस्फ में से इस हिस्सा को लेकर अलीजर काहिन को देना, ताकि ये खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी ठहरे, और बनी इसराइल के निस्फ में से खा आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, यानी सब किस्म के चौपायों में से 50-50 पीछे एक एक को लेकर लावियों को देना, जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफिजत करते हैं। चुनाचे मूसा और एलेजर काहिन ने जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था वैसा ही किया, छोड़कर लूट के माल में 675,000 भेड़ बकरियां थीं और 72,000 गाय बैल और 61,000 गधे, और नफूसे इंसानी में से 32,000 ऐसी औरतें जो मर्द से नावाकिफ और अछूती थीं, और लूट के माल के उस निस्फ में जो जंगी मर्दों का हिस्सा था 337,500 भेड़ बकरियां थीं, जिनमें से 675 भेड़ बकरियां खुदावंद के हिस्सा के लिए थीं, और 36,000 गाय बैल थे जिनमें से 72 खुदावंद के हिस्सा के थे, और 30,500 गधे थे जिनमें से 61 गधे खुदावंद के हिस्सा के थे, और नफूसे इंसानी का शुमार 16,000 था जिनमें से 32 जाने खुदावंद के हिस्सा की थीं। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उस हिस्सा को जो खुदावंद की उठाने की कुर्बानी थी एलिजर काहिन को दिया। अब्राहा बनी इसराइल का निस्फ हिस्सा जिसे मूसा ने जंगी मर्दों के हिस्सा से अलग कर रखा था, सो इस निस्फ में भी जो जमायत को दिया गया 337,500 भेड़ बकरियां थीं, और 36,000 गाय बैल और 30,500 गधे और 16,000 नफूसे इंसानी, और बनी इसराइल के इस निस्फ में से मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक क्या इंसान और क्या हैवान हर 50 पीछे एक को लेकर लावियों को दिया जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते थे। तब वो फौजी सरदार जो हजारों
और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे, मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादिमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मताहत हैं गिना और उनमें से एक जवान भी कम ना हुआ। सो हम में से जो कुछ जिसके हाथ लगा, यानी सोने के जेवर और पाजेब और कंगन और अंगूठियां और मुंदरे और बाजूबंद, ये सब हम खुदावंद के हदिया के तौर पर ले आए हैं, ताकि हमारी जानों के लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। चुनाचे मूसा और अलीजर काहिन ने उनसे ये सब सोने के घड़े हुए जेवर ले लिए और उस हदिये का सारा सोना जो हजारों और सैकड़ों के सरदारों ने खुदावंद के हजूर गुजराना, वो 16,750 मिसकाल था, क्योंकि जंगी मर्दों में से हर एक कुछ न कुछ लूट कर ले आया था। सो मूसा और अलीजर काहिन उस सोने को जो उन्होंने हजारों और सैकड़ों के सरदारों से लिया था, खैमाए इज्तमा में लाए, ताकि वो खुदावंद के हजूर बनी इसराइल की यादगार ठहरे।